गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाचन कर्म, ठीक है। तो अगर इसके पहले आपने दीपन कर्म नहीं देखा है तो आप हमारी पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन कर्म। तो पाचन मतलब डाइजेस्टिव। तो इसके लिए जो श्लोक है वो है पचंतम अग्निम प्रतिपच छपड़ेन बलदानेन चायत पाचयति तत् पाचनम। तो ये है चरक सूत स्थान 22/18 का श्लोक। जो द्रव आमाशयिक रस का स्राव बढ़ाकर आहार का पाचन करें या पचावें उसे पाचन कहते हैं, ठीक है। जैसे मातुलंग केसर, ये आमाशयिक रस का स्राव बढ़ाकर आहार का पाचन करता है, ये पाचन द्रव है। जिससे आहार का पाचन होता है किंतु अग्नि का दीपन नहीं होता या क्षुधर इसकी वृद्धि नहीं होती, इसे सिर्फ पाचन होता है, ये दीपन नहीं करता, दीपन कर्म नहीं करता। अतः इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भूख तो लगती हो किंतु आहार का पाचन नहीं होता हो, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको भूख लग रही है बट आहार का पाचन नहीं हो रहा हो। ये द्रव आग्नेय स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग इसमें वायु का अंश मानते हैं, ठीक है। कुछ द्रव दीपन और पाचन दोनों कर्म करते हैं, जैसे चित्रक, ये दोनों कर्म करता है दीपन और पाचन। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ पाचन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।